क्या हुआ, गाली गलौज किया गया उसने? गाली गलौज सारी रात, अभी क्या बोला है रायपुर? झुक जाओ, माफी वूफी मांग लो भाई। माफी मुझे सब पता है, ओवरप्राइस बेच रहे हो, मैं नहीं बोलना था बट आपने मेरे को मजबूर। भैया दोपहर को खाना खाया था, बिल मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। आगरा का गुलाब पेट खाना वाला भाई जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो तो कर गया स्कैम। साफ क्यों नहीं है वॉशरूम? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? सही हो भाई? अभी सुबह के टाइम हो रहा है भाई 2:50 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ पठानकोट के पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पे। पीछे मेरे आप देख सकते हो, और आज जो मेरी यात्रा होने वाली है वो उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस में होने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 20848 उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि उधमपुर और दुर्ग के बीच में चलती है। बाकी वीकली गाड़ी है ये, एंड यहाँ पे आना था इसने 2:45 पे, लेकिन ये लेट चल रही है। अभी 3:15 दिखा रहा है। अब देखते हैं कितने बजे हमारी गाड़ी आती है। 3:13 हो रहे हैं और देखिए हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है पठानकोट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, देखिए। और लेट आई है भाई। देखिए लगभग आधा घंटा लेट आई है। दोस्तों आज की अगर अपनी उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में सिर्फ एक दिन चलती है। थर्सडे को ये उधमपुर से रात को 11:55 पे चलती है। 1911 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 9:05 पे आपको दुर्ग पहुंचाती है। 33 घंटे और कुछ मिनट लेती है इस जर्नी को कम्प्लीट करने में, लगभग 21 हॉल्ट के साथ। तो हमारी जो यात्रा होने वाली है वो 3rd AC में होने वाली है। V7 हमारा कोच है और सीट है हमारी 56। ये दोस्तों अपनी बर्थ 56 अपर मिली है हमें साइड। दोस्तों देखिए टाइम हो रहा है 3:22 और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भाई पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से। उसका टाइम था निकलने का वो 3 बजे निकलना था इसने, लेकिन 3:22 पे निकल रही। आज रात में सो भी नहीं पाया बिल्कुल भी। आप देख सकते हो कि एक यूट्यूबर की जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है भाई, देख लिया ना। सुबह मैं उठा था 1 बजे उठा था, और जो मेरी ट्रेन थी ये जम्मू से थी, लेकिन मैं इसको पठानकोट से बोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जम्मू पहुँच नहीं पाया और पठानकोट मेरे को पास में पड़ता है। तो देखिए पठानकोट से निकल गई है, अब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सीधा सुबह मिलते हैं अब लुधियाना के आसपास। लुधियाना से आगे आगे ही मिलेंगे। तो चलिए बंद कर लेते हैं गेट को। होने से पहले वॉशरूम रिव्यू कर लिया जाए, वॉशरूम साफ है कि नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन उधमपुर से चली है और जम्मू तभी रुकी है, और पठानकोट इसका दूसरा हॉल था। तो चलिए देखते हैं कितनी ज़्यादा साफ सफाई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पे आपको एक डस्टबिन मिलता है, वाटर टैप मिलता है, वाटर डिस्पेंसर मिलता है। भैया ये सो रहे हैं, ओके भैया सो जाओ। बाकी मिरर देख सकते हो इतना क्लीन नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर जैसे आप आते हो तो यहाँ पे बहुत ही बेकार वॉशरूम है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना बेकार मैंने नहीं देखा। ये 3rd AC का हाल है। बाकी देखिए मिरर देखिए कितना गंदा है, और यहाँ पे सारा का सारा ये टूट चुका है, और जो हमारी ट्रेन है उसका जो बाहर वाला मिरर है वो भी टूट चुका है भाई, बहुत बेकार है वॉशरूम, बदबू भी आ रही है, क्लीन नहीं है। ये साफ क्यों नहीं है वॉशरूम? साफ क्यों नहीं है ये? किया ही नहीं, रुको उसकी बताते हैं। गुड नाइट, 2-3 घंटे के लिए थोड़ी रेस्ट कर लें। तो भाई सुबह के 6:16 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंची है लुधियाना, और भाई मैं उठा ही नहीं है, बाहर अंधेरा देखो भाई। जलंधर में चढ़े थे चोर है ना, घूम रहे थे साले बार 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 लुधियाना में भी जलंधर में भी घूम रहे थे 2-3 ऐसे अंदर। हाँ अच्छा, जलंधर में मतलब ऐसे 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 नीचे देख रहे जैसे मैंने देखा, तुरंत बाहर चले जाते थे। बोले भैया नाश्ता गरम गरम, नाश्ता गरम। अभी बज रही हैं सुबह के 10, और लुधियाना के बाद मैं सो गया था फिर से भाई, क्योंकि रात का सोया नहीं था और मेरे को इतनी नींद लग रही थी, इतनी देर लग रही थी कि मैं फिर से सो गया था। बाकी जो अपना अम्बाला है, लुधियाना है, ये सब मैंने पहले ही कवर कर लिया, तो मैंने सोचा सीधा दिल्ली में उठेंगे। और वही बात हुई, अभी हमारी ट्रेन है वो स्किप कर रही है पानीपत को, तो मैंने सोचा क्यों ना खाने को ऑर्डर ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि इसमें पेंट्री कार नहीं है, इसमें ऑनबोर्ड कैटरिंग और उससे लड़ाई झगड़ा ये सब वो सब बस से बचने के लिए मैं ये देखो इधर मैं ऑनलाइन खाना कर रहा हूँ ऑर्डर। तो सबसे पहले और सीट पर क्लिक करते हैं, अब देखते हैं ऑनलाइन, इसमें आपको कार्ड भी मिलेगा। क्या
क्या क्या है लंच में? जो वेज थाली है, दाल फ्राई है, चावल है, दो सब्जी है, अचार है, पराठे। कितने की प्लेट? 120 के चीज़। 120। टाइम हो रहा है सुबह के 10:50 और उधमपुर से लगभग 630 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 7th हॉल्ट पे, जो है अपना नई दिल्ली, देश की राजधानी अपनी नई दिल्ली। स्टेशन कोड है NDLS और यहाँ पे ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। बाकी खाना ऑर्डर किया था, बंदा मिल नहीं रहा यार। पहले खाने वाने का ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद आपको नई दिल्ली के बारे में बताते हैं। ये देखिए, किसी ने पत्थर मार के, ऐसा मत किया करो यार, विंडो ही तोड़ दी। नहीं वाला भाई, भाई बैठे बैठे भाई 10 मिनट हो गए, 25 मिनट का हॉल्ट है, 15 मिनट रह गए और खाने वाला अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कॉल ही करनी पड़ेगी, तो ये कर रहे हैं हम उसको कॉल। तो कॉल करके पूछते हैं भाई क्यों नहीं आया खाने लेकर, हमने जो ऑर्डर करा था। भैया ये कितने का? 30 रुपये। जो दोस्तों अपना नई दिल्ली है, यहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है हमारी उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है दिल्ली, यहाँ से हर तरफ से लाइनें जाती हैं, हर एक जगह की आप ट्रेन पकड़ सकते हो दिल्ली से। दिल्ली डिवीज़न के नॉर्दर्न जोन में आता है अपना दिल्ली। बाकी 92 ट्रेन पर डे यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 92 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती हैं और 90 ट्रेन का पर डे हॉल्ट भी है यहाँ पे। बिरयानी है, वेज बिरयानी कितनी की? 80 रुपये की है। अच्छा आप 100 की बेचते हो। दोस्तों 11:15 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन है वो निकल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बाकी एकदम राइट टाइम पे डिपार्ट किया है इसने नई दिल्ली से। खाना वाला भाई जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो तो कर गया स्कैम। फ़ोन किया उसको, एक बार फ़ोन उठाया, बोलता है भेजता हूँ, उसके बाद खाना ही नहीं भेजा भाई। अब कितनी बंदा कंप्लेन करके मन उग चुका है यार, कितनी कंप्लेन की जाए कुछ समझ नहीं आता। पहले ऑर्डर ही नहीं लेना चाहिए, ऑर्डर कंफर्म करके देने ही नहीं आते हैं खाना। अब पैंट्री वालों से भिड़ते हैं, बिरयानी बेच रहे हैं ये 80 रुपये की बिरयानी है, जो कि ये 100 रुपये में बेच रहे हैं। आज लड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा इनको बोलेंगे कि भाई 80 रुपये की है, देनी है तो दे दो, वरना क्या यार कितना लड़े, लड़के थक चुके हैं हम। नई दिल्ली से डिपार्चर, क्या हुआ? जगह नहीं है तो कैसे रखने दे भाई? वही तो बात है ना, उसके पास जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूंगा ना। पार्सल नहीं रखने दे रहे? अरे नहीं, मेरा खाना रखा है। पानी बोतल दे देना, दो दे देना, दो भैया। बिल मिल जाएगा ना इसका? बिल चाहिए इसका, ठीक है, मिल जाएगा ना शाम को, ठीक है। बाकी ये ली हमने पानी की बोतल दो, जो कि हमने बिल्कुल सही प्राइस लगाया इन्होंने, लेकिन ये बिरयानी का 20 रुपये एक्स्ट्रा लगाया, 80 रुपये रेट था लेकिन 100 रुपये लिया है। बिल के लिए बोला, अब देखते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकी ये बिरयानी आ गई भाई, देखो टेस्ट बता देते हैं अभी कैसा है हमारी अंडा बिरयानी का। अच्छा लग रहा है कि सुबह की बनाई है लेकिन आज की ही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, 2:28 हो रहे हैं और 825 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है उधमपुर से और पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के आगरा कंटोनमेंट पे। जो दोस्तों आगरा जाना जाता है ताजमहल के लिए, ताजमहल की खूबसूरती, मतलब हनीमून पे भी आते हैं काफ़ी सारे कपल्स ताजमहल देखने के लिए, फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। बाकी AGC का स्टेशन कोड है, 5 मिनट का हॉल्ट है,
लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेन 33 मिनट डिले आई है। हुआ क्या था, थोड़ी सी मेरी तबीयत है वो डाउन हो गई थी यार, हेडेक से पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को, ऐसे सर घूम रहा था। अगर आप आगरा आते हो तो आगरा का पेठा खाना ना भूलिए, मेरे नसीब में नहीं है शायद, वहाँ होंगे वह ट्राई करते हैं, सामने से मिल रहा है। कितने हैं भैया ये? 100 रुपये यार, ट्रेन में 50-50 के भेज रहे थे ये। हाँ गुलाब नहीं है, गुलाब पेठा, गुलाब पेठा है 120 रुपये का, दो 1 kg का है भाई, कर दिए मैंने। सो ये ले लिए हमने 130 रुपये का पेठा भैया से, गुलाब है ना ये 1 kg का, आधा किलो का भाई 130 का मिला। और अरे पेठा लेने के चक्कर में ट्रेन चली गई थी भाई, पकड़ ली मैंने। और करते हैं अभी गुलाब स्पेशल पेठा ट्राई, बाकी जो मिल रहे थे वो 100 रुपये के मिल रहे थे, लेकिन ये हमें स्पेशली मिला है 130 रुपये का। तो चलो भाई ट्राई करते हैं अभी गुलाब पेठा। ये आ गया हमारा आगरा का गुलाब पेठा, सो ट्राई करते हैं। ये देखिए खा लो एक, पहले ही कहना मैं इनको, सो जो गुलाब पेठा है बहुत ही टेस्टी है, एंड ये पड़ा है हमें 130 रुपये का आधा किलो। बाकी भैया भी बताएंगे, भैया कैसा है बताओ। सही है ना, तो बाकी यही अपना आगरा, अगर आप आगरा आते हो ट्रेन से तो आगरा का पेठा जरूर ट्राई करें। दिखाएंगे चंबल, चंबल की घाटी दिखाएंगे और चंबल रिवर दिखाएंगे। बाकी सामने मेरे देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये चंबल का एरिया है, यहाँ पे चंबल के डाकू भी रहा करते थे भाई। जाती है वो आप लोग बताएंगे। आ गई हमारी चंबल रिवर, शाम के 4:05 हो चुके हैं और जो हमारी ट्रेन है ना इसने 943 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पहुंच चुकी है अपने 9th हॉल्ट पे, जो अपना ग्वालियर, जो अपना ग्वालियर है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और इसका स्टेशन कोड है GWL। 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का ग्वालियर जंक्शन पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन 13 मिनट डिले आई है। बाकी जो अपना ग्वालियर है ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 1 नंबर पे लगी थी हमारी ट्रेन और ये स्टेशन है अपना वीरांगना लक्ष्मी डिवीजन के नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है ग्वालियर। बाकी जो अपना ग्वालियर है यहाँ से आप भिंड, गुना, इटावा जैसी जगहों पे जाने के लिए गाड़ी बदल सकते हैं, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं अपने ग्वालियर को। Thank you.
चाय होती तो मजा आ जाता, लेकिन अभी सॉस के साथ ही खाना पड़ेगा। और अभी जो हमारा स्टेशन आने वाला है वो झांसी आने वाला है, जो कि थोड़ी देर में आएगा और उसको दिखाएंगे। एंड शाम के स्नैक्स क्या भैया खाना है? खाना में सर वेज थाली है, दाल फ्राई है, चावल है, दो सब्जी है, अचार है, पराठा है, सूप है। कितने की है? 120 120 लिख लो। 56 टाइम हो रहा है शाम के 6:45 टाइम हो रहा है और 1017 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया उधमपुर से लेके झांसी तक। और यहाँ क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा? क्या हो गया? ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो जनरल कोच है इस ट्रेन के वो पीछे लगे हुए हैं। अभी आपको कोच कॉन्फ़िगरेशन भी बता देते हैं इस ट्रेन की। कोच कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आज की जो अपनी ट्रेन के साथ कोच लगे हैं वो एक लगे फर्स्ट एसी का और 2 लगे सेकंड एसी के, 7 लगे थर्ड एसी के और 7 ही लगे हैं स्लीपर के। 3 लगे हैं पीछे की तरफ जनरल की, आगे की तरफ आपको जनरल नहीं मिलेंगे इसलिए ये बच्चे भाग रहे थे। इसी में बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और अभी हमारी ट्रेन जो जाएगी वो बीना के रास्ते बीना से कट के कटनी वाले रूट पे चली जाएगी। बाकी यहाँ से भी 4 लाइनें जाती हैं, एक कानपुर को जाती है, एक बीना को जाती है, एक जाती है मोबा को और एक जाती है पीछे से आगरा वाली। बाकी ये स्टेशन अपना ये वीरांगना लक्ष्मी डिवीजन के नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है। स्टेट अपनी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, थोड़ा सा एरिया उत्तर प्रदेश का, इसके बाद फिर से हम मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। ट्रेन की भी साफ सफाई हो ही जा रही है, देखिए यहाँ पे मिरर वगैरह क्लीन किए जा रहे हैं। 5:54 अपनी ट्रेन खुल चुकी है झांसी से। आ जाओ। बात करें ठंड की यानी कि टेम्परेचर की तो झांसी में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी टेम्परेचर होगा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। भैया दोपहर को खाना खाया था, बिल मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। बिल चाहिए, मिल जाएगा ना? खाना तो मैं लगा रहा हूँ, मेरा कोच है 26 27 S15 कोच मेरे हैं, मैं दूंगा ना। ठीक है दे दे। प्राइस की बात करें तो अभी भी इन्होंने हमें 120 का खाना दिया है। दोपहर को मैंने इनसे बिल मांगा था, इन्होंने दोपहर को नहीं दिया। बाकी इसमें इसने इन्होंने डाला है मिक्स पिकल एंड ये यार ये 2 रोटी देखिए। बाकी ये देखिए दाल की बहुत ही पतली है देखिए, एंड ये पनीर आ गया है ना, और एक पेठा डाला है बस, पेठा और बादाम। बाकी टेस्ट बता देते हैं आपको, ये कड़ी है मुझे लगता है, बट बहुत ही पतली है। कड़ी का टेस्ट बता देते हैं, दाल है सॉरी आ गया, आलू की सब्जी और मटर। ये भी एवरेज है, रेटिंग होगा इसमें 10 में से 4। बाकी ये आ गया हमारा पनीर। किसको देते हो आप पैसे? किसको पैसे देते हो? ये किसने आपको ऑथराइज किया कि आपको बेचने के लिए? ये ऑथराइज किसने? आईडी कार्ड दिखाइए अपना। आईडी कार्ड दिख तो आप ट्रेन में कैसे चढ़े बिना आईडी कार्ड के? किसने आपको ऑथराइज किया कि ट्रेन में आप जहर मिला के दे दोगे हमें? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? क्या बीमार हो जाएगा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप बोल रहे हो ना रेट बढ़ गया 30 रुपये 40 रुपये, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो, आपको किसने ऑथराइज किया? रेलवे बोलती है कि ये सब चीज़ें बेचो? नहीं बोलती है ना। अपना कार्ड दिखाओ आप, वरना पुलिस को बुलाओ। अभी बताता हूँ तेरे को मैं, रुक पुलिस को बुलाओ। अंकल ही सेठ का नाम क्या है? इसको पकड़ो पुलिस को बुलाओ। भैया कोई दिक्कत नहीं, खड़ा रहूंगा पुलिस को बुला, तू ना पैसे दे तो बात कर। कंप्लेन करते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर देखते हैं कहां जाता है तू। अरे हो गया भैया जाने दे। अरे भैया जी बोल रहे यार पुलिस यार, देखो कैसे कर रहे हैं ये अंकल ने, सीनियर है ना वो, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तूने बोला क्या बोले बताओ? तो उन्होंने बोला दे दो 20 रुपए का, तब क्या है तुम्हें क्या जाएगा तुम्हारा? 30 का दे दो मैं बोल रहा हूं, तो 20 का दे दो, थोड़ा कम दे दो, बात खत्म करो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप ऑथराइज नहीं हो, आपकी रोजी रोटी है, आप बदतमीजी करोगे हमें भी बदतमीजी आती है। ये आ गया हमारा पनीर और चावल, खाने के बाद
इतने ज़्यादा बड़े नहीं है। भैया चाय दे देना। सुबह से बिल आ रहे थे यार, बिल नहीं आया आपका भाई। क्यों मजबूर करते हो बोलने? मैनेजर खड़ा है। कहाँ मैनेजर खड़ा? सामने खड़ा है। जरा ही खड़ा है। हाँ अभी भी मैंने कंप्लेन कर दी है इनके रिगार्डिंग, जो जो ओवर प्राइस बेच रहे हैं। तो अभी मुझे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कि आपके पास कोई आया कि नहीं आया। मैंने बोला सर मेरे पास कोई भी नहीं आया। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं। हाँ छप्पन। हाँ जी हाँ, इधर आओ। नहीं, 120 की थाली बेच रहे हो आप स्टैंडर्ड मील की, ठीक है? यार घर की बात है, मैंने कितनी बार बिल मांगा दिया। मैं बार बार पीछे फिर यार, मैंने क्या बोला? शाम को दिला दे भाई, सुबह से दे रहे हो आप बिल, ठीक है? सुबह से लगे हैं ये बिल देने। मुझे सब पता है ओवर प्राइस बेच रहे हो, मैं नहीं बोलना था बट आपने मेरे को मजबूर किया। मैं तो एक सेकंड में कर दूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं एक सेकंड में यहाँ से कर दूंगा, बट अच्छी अच्छी बात है कि मैं वहाँ से उठ के लड़ने आ रहा हूँ। मैं क्यों लड़ूंगा आपसे? आप बताओ सुबह से आप लगे जो आपने ब्याज थाली थी कितने की है वो पता है? 80 रुपए की बेचते हो आप भाई? 80 रुपए से आप ऊपर नहीं बेच सकते उसको। मैं आपको नोटिस दिखाऊं रेलवे का, मैं आपको रेलवे का नोटिस दिखाऊं। दाल चावल सब्जी दो रोटी है भाई, जो मर्जी हो जो इधर आओ। उसमें उसमें कार्ड कहाँ है पहले बताओ? उसमें जो थाली बेच रहे हो आप उसमें कार्ड कहाँ है? उसमें सैनिटाइजर कहाँ पे है? आप लोग प्रॉपर नहीं दे रहे हो, क्योंकि उनको प्राइस है वो 80 रुपए। मत बोलो, आपको कमीशन मिलती है, आपको कमीशन मिलती है सर 80 रुपए में। आपको 80 रुपए। क्या नाम आपका? तो भाई हाँ, तो भाई थोड़े बिजी हो गए थे। तो भाई वापिस में तो रीट्वीट करना है ना, रीट्वीट करना है ना भाई? हाँ तो इन्होंने हमें बिल दे दिया है। कितने का? 80 रुपीज की प्राइस है ना, 80 रुपीज की बैच थाली थी। भैया ने मुझे बिल दे दिया और ये कंप्लेन में वापिस करते हैं। बाकी ये रहा हमारा बिल, कर देता हूँ रीट्वीट अभी। टाइम मत करना, ठीक है? ऐसा ठीक है। सो दोस्तों टाइम देख सकते हो आप, रात के 9:40 हो रहे हैं। और दुखद न्यूज़ ये है कि जो हमारी ट्रेन है वो 1 घंटा और 40 मिनट देरी से चल रही है। पता नहीं इसको बीना जंक्शन के बाद इतना पिटवाया रेलवे ने। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे रीज़न नहीं पता इतना क्यों पिटवाया इसको। बाकी अभी पहुंच चुके हैं ये सागर, SGO स्टेशन कोड है सागर का। ये रहे भाई पैसे जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा लिए थे, 80 रुपीज़। मायने रखते हैं भाई, 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे। एंड माफ़ी भी मांगी इन्होंने कि सर ऐसा मत करो, हमारा लाइसेंस वगैरह रद्द हो जाएगा। तो इसलिए यार बंदे को थोड़ा इमोशनली हो जाता है बंदा। देखिए भाई सागर से डिपार्चर, बाकी दो प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे सागर रेलवे स्टेशन पे, और ये स्टेशन है अपना जबलपुर डिवीज़न के वेस्ट सेंट्रल जोन में आता है। सागर से डिपार्चर देखिए। बाकी भाई ठंड बाहर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम बंद कर रहे थे गेट को। नहीं ये था सर, बाहर ठंड हो चुकी है ना। अभी बात कर लेते हैं अपनी ट्रेन में टिकट प्राइस की। तो अगर आप उधमपुर से लेकर दुर्ग तक एंड टू एंड यात्रा करते हो फर्स्ट एसी में, तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 4,775 रुपीज़। अगर आप सेकंड एसी में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेंगे 2,775 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेंगे 1,880 रुपीज़। और अगर आप स्लीपर में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेंगे 695 रुपीज़। तो चलिए आप सो जाते हैं भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रेन में, और इस ट्रेन का तीसरा दिन है, तीन दिन हो गए मतलब, तो तीसरा दिन चढ़ चुका है इसको।
चले चले। और अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रेन में क्या कर रहा है, तो ये जो ट्रेन है ना ये 4 घंटा और 12 मिनट लेट हो चुकी है। अभी तक इसको रायपुर के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये अभी उसलापुर भी नहीं पहुंची है, यानी कि बिलासपुर भी नहीं पहुंची है। तो भाइयों टाइम देख सकते हो 9:31 हो रहे हैं और उधमपुर से 1760 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 18th हॉल्ट पे जो अपना उसलापुर। वैसे तो जो उसलापुर है यहाँ बिलासपुर में ही पड़ता है, ये बिलासपुर इसके अगला वाला स्टॉप है, लेकिन ये ट्रेन अब कॉर्ड लाइन से ही डाइवर्ट हो जाएगी और दुर्ग के रास्ते चली जाएगी, बिलासपुर के रास्ते नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पे इस ट्रेन को रोका जाता है, बिलासपुर नहीं लेके जाते हैं इसको। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का उसलापुर रेलवे स्टेशन पे। 3 प्लेटफॉर्म है उसलापुर रेलवे स्टेशन पे और ये स्टेशन है अपना बिलासपुर डिवीज़न के ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, स्टेट अपनी छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं हम, तो यहाँ से चाय वाय पीते हैं। ये देखो टूथपेस्ट ली है हमने, ये चाय ली, ये देखिए यहाँ पे क्या खतरनाक चीज़ बन रही है, इसको तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। देखिए भाई वाह, ये देना एक कितने का है, दे दो दे दो। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये हमारी आ गई सुबह की चाय और ये आ गया हमारा समोसा विद चने, चने हैं काफ़ी डिलीशियस लग रहा है देखने में बना हुआ है भाई। समोसा तो लाजवाब है ही है, लेकिन जो इन्होंने बीच में चटनी डाली है ना, मुंह में पानी ना आए ना आपका बोलना हो, मुझे दिन बन गया भाई कसम से, मन कर रहा है इसको जल्दी से ख़त्म करके एक और ले आऊँ। ये भैया की दुकान है, यहाँ से आप ले सकते हो एंड ये स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है और यहाँ से एक और लेते हैं खा के भाई। तो भाई 9:53 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन को हॉग मिल चुका है उसलापुर से और यहाँ पे ये लगभग 20-25 मिनट लेट रुकी होगी। फिर क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे कंप्लेन हो रही है पुलिस के, जो बच्चे हैं ना उनके खिलाफ कंप्लेन हो रही है क्योंकि वो उधम मचा रहे थे, इनका ये कहना कि ठीक है भाई, ओए वो कंप्लेन कर रहे हैं भाई, उनको रोको भाई, कंप्लेन कर रहे हैं यार वो, ओए भाई रोक लो उनको, कंप्लेन कर रहे हैं वो, झुक जाओ, माफी वूफी मांग लो भाई, माफी वूफी खबर किया था इतनी देर बैठे भाई, माफी वूफी मांग लो यार, आपकी भर्ती पूर्ति का सवाल है बहन, तो जाने दो एक बार, क्या हो जाएगा, कोई झुकने से बंदा छोटा नहीं हो जाता पता है, झुक रहे हैं मान, बोल जाओ माफी, पुलिस वालों को बोल दो सर गलती हो गई, अब नहीं कर रहे, तो अंदर क्यों जा रहे और है क्या अंदर, दो एलिगेशन फालतू लगा देंगे, कुछ टूटा बूटा होगा ना ये तुम पे लगा देंगे, छोड़ो यार बोल दो सर गलती हो गई, अब राय पे सुनना है यार, बात तो मान, तो भाई टाइम देख सकते हो अभी 12:33 हो रहे हैं और पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन लास्ट हॉल्ट पे जो अपना छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर स्टेशन कोड R और 1874 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर लिया इसने उधमपुर से। और यहाँ पे चक्कर क्या हो गया कि कुछ लड़के लोग थे आर्मी की भर्ती देखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया दूसरे कोच में जाके लेडीज़ लोग को परेशान कर दिया, तो अब लेडीज़ ने कंप्लेंट कर दी है, तो अभी है ना लगी पड़ी है उनकी, बहुत गंदा सीन हो गया भाई। नहीं
लोगों ने सोचा उसको मालूम नहीं उसको कितना भुगतना पड़ेगा वो तो देखा के आंटी उनकी के चक्कर में जी गाली नहीं वो उनको तो पकड़ के अब बिल्कुल फांसी भी लगानी चाहिए ऐसा लड़का है क्या वो गाली गलौज किया गया उसने गाली गलौज सारी रात अभी क्या बोला है रायपुर आ गई है देखता हूँ आप क्या कर रहे हैं आज झापड़ लगाऊंगा ना यहीं पर अभी अभी बोला हमने जवाब नहीं दिया हमने कहा बस उतरने चाहिए वो बैठा तो आप लोग पकड़ के रखना गया किधर वो उतरना ही नहीं देना था आप लोग को जब कंप्लेंट कर दिए हो तो उसको रखना भाग गया क्या वो जाने ही नहीं देना था आप खड़े नहीं थे तो आ गई है तो यही बोल आया हूं पकड़े हो हां उसको रख गया किधर वो बुलाने के लिए आपको उतरना नहीं था क्योंकि उन लोग ना वो ट्रेन में ही है लेकिन भागने नहीं गया नहीं नहीं वो पीछे सर पीछे भाग गया होगा पीछे चेक करो जन्नत हाँ ये भी सब सच्चे पढ़ते हैं पूरा मुंह घर में गाली वही तो कहा मैंने तो क्या बता मैं वही तो कहा ना भैया तो उसे आपने मुझे बोला बोलो छोड़ दे रहा मैं उसको वो नहीं मिला लंबा वाला सर है? वो नहीं मिला लंबा वाला नहीं भाग गया ना वो ढूंढ रहा है ये शेरू क्या भैया बंदे को ढूंढ रहा है कुत्ता बंदे को वो जो भगा है उसका निकलने का टाइम था ना रायपुर से वो 8 बजे था सुबह लेकिन भाई देख लो कितना बुरा हालत हो चुका है 5 घंटे और 15 मिनट लेट निकलिया क्या होया भाई कहाँ गए वो ले गए पकड़ के उनको ले गए भाई जो बच्चे थे ना एक लड़के ने लड़की छेड़ दी तो लड़की छेड़ दी लड़की ने कर दी कंप्लेंट लड़की के पिता ने ही बोल दिया कि मेरी लड़की को छेड़ रहा है लड़की की माता ने ही बोल दिया करके ले गए भाई उनको भर्ती देखने जा रहे थे और जो मेन बंदा था वो भाग गया स्प्रिंटर था वो थैंक गॉड भाई देखो टाइम 2:30 बज गए फाइनली दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और हमारी जो ट्रेन है उसने पहुँचा दिया हमें अपनी डेस्टिनेशन पर जो है अपना दुर्ग मुझे तो भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज हमें ये दुर्ग पहुंचा पाएगी कि नहीं क्योंकि 9:05 पे टाइम था और 2:30 बजे पहुंचा रही है 5.5 घंटे लेट बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो साफ़ सफाई तो मत ही पूछो भाई जगह जगह पे खाने के डिस्पोजल के वो पड़े हुए थे वॉशरूम में पानी नहीं था वॉशरूम की साफ़ सफाई नहीं थी वॉशरूम में तो इसको 0 रेटिंग दूंगा मैं 10 में से बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी बाकी 3rd AC में हो या स्लीपर में हो कि एक ही हाल था बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ तब तक के लिए खुश रहें सेफ रहें और अपना ध्यान रखें।